अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं मुर्गा कचौरी, जिसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 kg चिकन, उसके अलावा प्याज, ये मैंने पीस लिया इसको लाइट ब्राउन करके, तकरीबन 2 से 3 दरमियानी प्याज चाहिए, इसको लाइट ब्राउन करके पीस लें, ठीक है। उसके बाद जाएगा इसमें टमाटो पेस्ट या टमाटो प्योरी तकरीबन 1 से 1.5 कप, तकरीबन आप ये 3 से 4 टमाटर लेंगे तो 1 से 1.5 कप आपकी प्योरी बन जाएगी। उसके अलावा इसमें जाएगा दही 1 प्याली या 1 कप, उसके अलावा लेमन जूस जाएगा 3 से 4 चम्मच, उसके अलावा जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। अच्छा जी, इसमें जो अचार का मसाला हमने बनाया है जिससे अचार का टेस्ट आएगा, इसके अंदर ये मैंने मसाला पीस के रखा हुआ है, इसमें जो हमने चीज़ें डाली हैं 1 टेबलस्पून सौंफ है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून धनिया है, और उसके अलावा 1 टीस्पून कलौंजी है, 1 टीस्पून इसमें राई है, और 1/2 टीस्पून मेथी दाना है। क्या मेथी दाना ज़्यादा नहीं डालिएगा, इससे कड़वाहट आ जाती है। और उसके अलावा इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, और 2 से 4 मैंने ये इस तरह की साबुत मिर्चें इसमें डाल ली हैं जो क्रश हुई हैं, ठीक है। उसमें 3 से 4 स्टिक दालचीनी के जाएंगे, और काली मिर्च जाएगी 6 से 8 दाने, और उसके अलावा इसमें आप डालेंगे बड़ी इलायची 1, छोटी इलायची 1 से 2 अदद या 3 अदद भी कर सकते हैं, और तेज़पत्ता 1 जाएगा, कसूरी मेथी जाएगी इसमें 1 टेबलस्पून के करीब, और नमक इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, और इसमें हरी मिर्च जाएगी एंड में दम पे, हरी मिर्च इसके अंदर इसके हम अचार का मसाला लेमन जूस में मिक्स करके इसके अंदर भरेंगे और वो एंड पे दम में जाएगी। उसके अलावा इसमें कलौंजी डालेंगे और राई मेथी दाना डालेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून बघार के लिए। तो चले शुरू करते हैं। इसमें हम ऑयल डालते हैं अपने बर्तन में, तकरीबन 1/2 प्याली के करीब इसमें ऑयल जाएगा। मैंने थोड़ा कम डाला है क्योंकि इसमें मेरे पास पहले से इसमें थोड़ा सा ऑयल मौजूद था जिसमें मैंने प्याज फ्राई की हुई थी अपनी। टोटल 1/2 प्याली इसमें ऑयल जाएगा। ऑयल के गर्म होने का इंतजार करेंगे हम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें अपनी चिकन डालते हैं। चिकन के आपने इस तरह से दरमियाने साइज की, बहुत छोटे भी नहीं करवाइएगा और बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस भी नहीं हो, दरमियाने साइज के पीसेस करवा लें। थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, थोड़ी देर बंद कर देते हैं ताकि इसकी आवाज नहीं पैदा हो। इसको बनने में इतनी देर नहीं लगेगी क्योंकि हमने अपने प्याज को पहले से फ्राई करके पीसा हुआ है, और वैसे भी चिकन बनने में इतनी देर नहीं लगती है। इसको आप मटन या बीफ में भी बना सकते हैं, मसाले यही रहेंगे। उसके लिए सिर्फ आपको करना ये पड़ेगा कि आप मटन या बीफ को पहले से गला लेंगे, और उसमें प्याज फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप प्याज बस जस्ट काट के उसके अंदर बॉईल करते वक्त डाल दें, लहसुन अदरक भी डाल दें, और उसके बाद जब पानी उसका खुश्क हो जाए, वो गल जाए, तो बाकी का यही मेथड रहेगा जिसमें आप आट बनाएंगे। अब इसकी आवाज़ थोड़ी कम हो चुकी है, तो अब इसको हम मिक्स करते हैं।
चिकन को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा ये दो टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको डाल के हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे अपना मसाला। ये सारा मसाला इसमें नहीं जाएगा बल्कि हाफ जाएगा, हाफ इसका मिर्चों में जाएगा। या इसमें मसाला डालते हैं तकरीबन दो से तीन टेबल स्पून हम इसमें डालते हैं। और कलौंजी और मेथी दाना भी ये चला गया इसमें। ये नमक जाएगा इसमें, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा खाते हैं आप तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर कम खाते हैं तो कम कर सकते हैं। अच्छा, चिकन को हमने 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई किया है और ये अच्छा सा फ्राई हो चुका है। चिकन को हमेशा याद रखें कि कभी भी हल्की आंच पे फ्राई ना कर होने के लिए छोड़ें। उससे ये होगा कि आपकी जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा भूनेंगे तो उससे भी ये होगा कि चिकन का अपना जूसेस ख़त्म हो जाएंगे और वो बहुत खुश्क हो जाएगी। तो कोशिश करें कि इसको जल्दी जल्दी तेज़ आंच पे फ्राई करें। इसके अंदर जो सारे मुज़र असरात होते हैं, इसकी कुछ ऐसे जर्म्स होते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं उससे। अच्छा, मसाले को हमने मिर्चें और ये सारा अचार का मसाला डाल के हमने बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाना है, भूनना है। इसके बाद हम साथ ही इसके अंदर टमाटर डाल देंगे क्योंकि हमें इसको काला नहीं करना है ताकि अच्छा सा एक कलर आए, बस मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। मसाला हमारा भुन चुका है, अब इसमें शामिल करते हैं ये प्याज। ये मैंने लाइट ब्राउन करके पीस लिया इसको, तकरीबन 3 दरमियानी प्याज। और ये तकरीबन 1.5 कप के करीब टमाटो प्योरी जाएगी इसमें। तो अच्छी तरह मिलाते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारा टमाटर और प्याज अच्छी तरह भुन चुके हैं, इसके अंदर मसाला हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा भुन चुका है। तो इसमें हम ये अपना दही शामिल करते हैं, ये 1 प्याली इसके अंदर दही जाएगा। और ये बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। बड़ा मज़ेदार सा इसका टेस्ट होगा, आपको यकीनन ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपने अचार गोश्त या मुर्ग अचारी पहले भी बनाया होगा लेकिन ये थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ है।
और इसकी मैं ट्विस्ट ये है कि इसमें मैंने थोड़ी सी प्याज फ्राई करके डाली है और दही थोड़ा ज़्यादा मिकदार में डाला है, थोड़ा ज़्यादा मिकदार में टमाटर डाले हैं। आमतौर पर इसमें प्याज नहीं डालते हैं लोग, लेकिन इससे बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है और का जो ग्रेवी है वो भी बड़ी अच्छी हो जाती है। वरना जो आप अगर फैमिली वाइज जैसे बना रहे होते हैं तो उसके लिए, या दावतों के लिए बना रहे होते हैं तो उसके लिए ग्रेवी थोड़ी सी चाहिए होती है। बड़ा अच्छा सा ये भुन रहा है, आप इसका कलर देख सकते हैं, बेहतरीन सा इसका कलर आ रहा है। दही का पानी जैसे ही कुछ होता है तो इसमें हम फिर अपनी बाकी की चीज़ें हरी मिर्च वगैरह मसाला भर के डालेंगे। जी हम इसको ढक के थोड़ी देर पकने छोड़ देते हैं। अच्छा व्यूअर्स, हमने मसाला इसका लेमन जूस में मिक्स कर लिया है। ये मिर्चों का जो मसाला तैयार हो रहा है वही अचार का मसाला जो मैंने आपको बेसिक बताया है, इसको मैंने लेमन जूस में मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम ये मसाला भर लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा इसमें मैं नमक इसमें भी शामिल करती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने नमक नहीं शामिल किया हुआ था। इसको हम इस तरह कट लगा लें मिर्च के अंदर, और ये आप मिर्च अच्छी वाली लेंगे जो थोड़ी स्पाइसी भी होती है और अचार गोश्त के लिए ही स्पेशली तौर पे, या कढ़ाई गोश्त के लिए होती है, अचारी मिर्च कहलाती है। इसको ये ले लें और इस तरह से आप इसमें भर के रखते जाएं। सारी मिर्चों के अंदर हम इसी तरह ये मसाला भर लेंगे। अच्छा व्यूअर्स, हमने मसाला भर लिया है मिर्चों के अंदर अच्छी तरह से, और अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि हमारी चिकन रेडी हो जाए, तो एंड पे हम ये डालेंगे। और ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि चिकन बड़ी अच्छी तरीके से रेडी है हमारी, मसाला भुन चुका है, ऑयल अलग हो चुका है। तो अब हम इसमें अपनी मिर्चें डाल देते हैं, इसमें ये तमाम मिर्चें 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। मिर्चें डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं बनाए पकाइएगा उसको, क्योंकि उससे ये होगा कि हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, उनका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। ये 5 मिनट के लिए दम पे जा रहा है। मुर्गा चार हमारा तैयार है व्यूअर्स, इसको 5 मिनट हो चुके हैं दम पे। बहुत ही जबरदस्त किस्म का ये तैयार है, बहुत ही एक यूनिक किस्म की डिश है ये। इसको जब आप घर पे बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये वाकई में ज़बरदस्त सी एक डिश है। और हम अब इसको डिश आउट करने जा रहे हैं। डिश आउट करके आपको फाइनल लुक इसकी दिखाते हैं। ये हमारा मुर्ग अचारी तैयार है व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी जब आप इसको अपने घर में ट्राई करेंगे। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और उन पर कमेंट्स भी करें। तो इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।